वेज में तो ये है कि ये लव एंड लाते इसका वो है। जिस वेबसाइट पे ये दोनों मिलते हैं, इट्स अ क्वर्की क्यूट वेबसाइट, उसमें स्पेलिंग उसका नाम है अब तक सिंगल एंड दे हैव स्पेल्ड इट लाइक दैट। तो अब तक सिंगल इस तरह से उस वेबसाइट का नाम है। मैंने उसको इस तरह से समझा था कि आप ये फौज देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे इधर ही बैठे हुए, इनको अगर खड़ा करेंगे तो ये पूरा स्टेज भर जाएगा और मैं तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एल जो है कई बार जो है वो मेल होता है कभी कभी, तो 7 चाहिए था एक और एल का, नहीं तो ऐसा ना बोलना पड़े कि ले लग गए। आई हैड अ फॉलो अप क्वेश्चन बच्चा किड, towards your eye. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you know, you had Talwar, which was critically acclaimed as well as did well at box office. Then there was Hindi medium, again the same story. So do you think now this is the time where even the content-driven films are doing well at the box office and you are expecting the same from this one as well? Content ka, I think, kai saalon se shuru ho chuka hai. Ye audience ne shuru kiya hai. Audience already हिंदी सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसमें फुटफॉल कम हो रहा है और ऑडियंस जो कि थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है बाहर का सिनेमा देख के, सीरीज़ देख के, तो वो ज़्यादातर हॉलीवुड का सिनेमा देख रहा है या हमारी रीजनल सिनेमा ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उसे रिलेट कर पा रहा है और इंगेज हो पा रहा है, एंटरटेन हो पा रहा है। हिंदी सिनेमा जो अब तक इतना जेनरिक था उसमें उस तरह की कमी थी कि दे वॉन्टेड टू रिलेट, ऑडियंस रिलेट करना चाह रहा है उन स्टोरी से। वो कह रहा है हॉलीवुड जब बना रहा है, रीजनल सिनेमा बना रहा है, तो हमें हिंदी सिनेमा ऐसा देखने को क्यों नहीं मिल रहा जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ, जहाँ वो कुछ बात कहे जो मेरे से जिसका वार्तालाप चले। कोई फिल्म खाली थोती फिल्म नहीं होती है, सिर्फ ऐसी एंटरटेनमेंट एक उस तरह की फिल्म भी होती है, लेकिन मैं उन फिल्मों से जुड़ना चाहता हूँ जो आपके साथ जिसका डिस्कशन चलता रहे फिल्म खत्म होने के बाद। तो वो चेंज शुरू हो गया था और अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से, मतलब इस तरह की फिल्में सिर्फ मेरी नहीं, बाकी भी जैसे राजकुमार की भी 2 फिल्में आई थी, सडनली उसको किसी को उम्मीद नहीं थी एंड डिड वेल, इट्स बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। एंड मिस्टर सुजय, यू हैव 2 फिल्म्स बैक टू रिलीजिंग बैक टू बैक इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज, देयर इज सीक्रेट सुपरस्टार फॉलोड बाय दिस, सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द रिलीज ऑफ बोथ द फिल्म्स एंड हाउ हैव यू मैनेज्ड टू प्लान द एंटायर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉर 2 फिल्म्स गिवन द फैक्ट दैट दे आर रिलीजिंग इन सच अ स्मॉल स्पैन? एक्साइटमेंट, ह्यूज एक्साइटमेंट। दिवाली तो वैसे ही शुरू हो गई, ठीक है, पटाखे तो वैसे ही बजने लगे, सो इट्स ह्यूज एक्साइटमेंट। एंड व्हेन यू हैव 2 मूवीज कमिंग बैक टू बैक, इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट एंड द होल सेटअप, हाउ वी प्लान इट एंड पुट इट टुगेदर, इट इज़ अनपैरेलल्ड। एंड व्हेन यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ जी नेटवर्क बैकिंग यू, इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव ऑल द चैनल्स अवेलेबल विथ यू टू प्रमोट इट, बिल्ड इट अप, वेदर इट इज़ न्यूज़ और एंटरटेनमेंट और मूवीज, सो इट्स अ ग्रेट एक्साइटिंग टाइम फॉर द नेटवर्क टू, इवन इफ यू पिच 2 मूवीज एट अ टाइम, इट वर्क्स ब्रिलियंटली। Tanuja, hi. Considering you have Irrfan on board, was it a deliberate attempt to not present this love story as a monotonous, typical way? In a monotonous, typical way? The story actually had the seed of that in it, which was written by my mother. 20 years ago, she wrote this 15-pager, you know, and I thought there was something in it which was so beautiful. And it was, but me and Ghazal, my co-writer, we made it contemporary, you know, we made it a story of today. And so I think that I would like to say that it's a kind of a Hindustani rom-com, which is very much belonging to the milieu of contemporary modern India. And yet it's at its core, it's very Indian and very, it has a bit of traditionalism in it as well. And finally, it's about just loving every part of your life, your past relationships, whatever they may have been, there's something of value in those and they give to you all your life, you know, so you don't have to, breakups don't have to be bitter, they can be wonderful. So there's that kind of story in it, and in which 2 people discover each other and discover each other's differences and find out that, you know, it's okay, we both are different from each other, but if we respect each other's differences and independence, it can be a beautiful love story. So I think it was there in the story itself.
Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. Parvathy, mera sawal aapse hai. Ek to is film ka subject kafi alag hai aur ise ke sath sath Irrfan itne majhe hue kalakar hain. Dono ek sath aana aur ye pura experience kaisa raha aapke liye? Bahut overwhelming tha. Definitely. Pehle jab Tanuja ji ne phone kiya tha aur yehi word bola tha, Hindustani rom-com. And that's what hooked me first. And I didn't know at the time it was going to be Irrfan on the other side. In fact, even after listening to the script is when I got to know that it was him. So the first thing that hooked on to me was definitely the screenplay and the story. And life mein ek aisi level pe hoon jahan main bhi kareeb kareeb single mode mein ja rahi hoon, toh I could totally relate to it and almost wanted to learn from it a little, I think. And that's what I've been doing all my career, is learn a little bit from every character I do, every story I do. Sometimes you learn some bad things, sometimes you learn some great things. And this experience made through Ghazal and Tanuja and eventually through the production with Irrfan, it was a great learning experience. Irrfan, ek sawal aapse bhi hai. Bachchan sir ab 75 saal ke hone wale hain aur Peeku film mein aapne unke saath kaam kiya tha. Bachchan sir ko badhai dena chahenge aur jo pura experience tha unke saath kaam karne ka. वो कैसा रहा? मेरी बिल्कुल बधाई उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, खुश रहें और हमें उसी तरह की कहानियाँ देते रहें. और पीकू का एक्सपीरियंस तो अब फिल्म आ चुकी है, आपने देख ही लिया तो आपको पता ही है. इरफान, मैंने बधाई दी उनको, बधाई हो उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो अच्छे काम करते रहें, अच्छी स्टोरीज बोलते रहें. इरफान जी, यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में महान लोग हैं. और यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से, और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है. और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में. तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है. आपको लगता है फ्लेवर सेम होता तो मैं करता ये फिल्म? ये एक चीज़ इसमें ये है कि हिंदी मीडियम में जो एक जिस तरह का एक फ़न था, जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट को जिस तरह से रीडिफाइन किया गया था कि कहानी भी है और आप रिलेट भी कर सकते हैं और आप एंटरटेन हो सकते हैं, तो वो कंटिन्यू है. ये कोई दूसरे किस्म की तरह फिल्म नहीं है कि सडनली एक कोई और ही जोन आ गया. ये वही है कि आपको जो है एंगेज करेगी, यू विल गेट एंटरटेन्ड. And you will relate to characters, and there are few things which were important for me in the movie. वो मैं जब फिल्म के इंटरव्यू शुरू होंगे तब मैं बात करूँगा कि मैंने ये फिल्म क्यों की है. एक्चुअली मैसेज ये है कि तुम सिंगल हो, सिंगल मत रहना अब. नहीं, मैसेज मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली बताता हूँ. और क्या होता है ना, एक होता है आदमी सिंगल, एक होता है कि अब सिंगल नहीं रहा. बीच का सफ़र होता है करीब करीब सिंगल, जहाँ के डबल होने की एक उम्मीद होती है और एक एक्सपेक्टेशन होती है. मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है बहुत खूबसूरत होता है रिलेशनशिप का, अगर आदमी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय ना करे, दोनों मिलके उसको खुद ख़त्म ना कर दें और उस जर्नी को अगर थोड़ा उसका मज़ा लें, उसको अगर बहुत अच्छे से उसको गुजारें जर्नी को, वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है रिलेशनशिप का, जहाँ के दोनों उन्होंने कमिट नहीं किया है बट एक तरह का एक्साइटमेंट है अंदर, एक लहर है अंदर, एक यू नो म्यूज़िक है अंदर. तो इसमें उस तरह का एक उस जर्नी का यू नो फिल्म उस जर्नी के बारे में है. लहर का थ्रू आउट है. इरफान जी आपके सामने, इरफान जी ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन चैटिंग में कितना बिलीव करते हैं अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? भाई मैं बहुत बिलीव करना चाहता हूँ, मैं तो ऐप ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि आसान हो जाए मामला. बहुत सारे हैं ऐसे तो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ज़्यादा उस पर कवर चढ़ा के और इतना ज़्यादा उसको लुका छुपा के इतना अजीब सा बना दिया है. जबकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने जिससे सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो ये है कि दो लोगों का करीब आना एक दूसरे को पसंद करके, और उससे खूबसूरत चीज़ कुछ है नहीं दुनिया. वो नेचर ने दिया है आपको, वो आपके लिए है, उसके लिए क्यों गिल्टी फील करना, क्यों इतनी बंधन है. मैं तो बचपन से सपने देखता था, अब तो खैर ये आ गया है लेकिन मैं अपना फेस डाल नहीं सकता उस पर. मैं अगर डालूंगा तो लोग या तो यकीन नहीं करेंगे कि अरे यार ये डेटिंग के लिए बोल रहा है क्या, ये तो इरफान है ये, और अगर कर लिया यकीन तो फिर कुछ और बोल लगे, अच्छा बेटा चल यू नो.
तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होता, मैं भी अभी तक देख रहा हूँ ऐसी ऐप जिसमें कि मेरे लिए भी सफर आसान हो जाए, आपको पता चले तो बताना मुझे। जी बिल्कुल। अच्छा इरफान जी, क्योंकि एक रोमांटिक हीरो का किरदार कर रहे हैं आप, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कई सारे रोमांटिक हीरो, किसी से इंस्पायर्ड भी हैं आप रोमांस के मामले में? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अपनी मोहब्बत से इंस्पायर हूं, मेरे अंदर बहुत मोहब्बत भरी पड़ी भाई जो निकली नहीं है और जिसको मैं जीता रहता हूँ अलग अलग तरीके से, मैं अपने आप को बांटता रहता हूँ, हाथ किसी के नहीं आता। I so said that Hindi cinema is evolving and this is your first attempt at a love story. So is it because you really vouch for it or you think, you know, Indian audience is still not over love stories and romantic movies? I wouldn't call it love for first love story, you know. Mere liye maqbool love story thi, mere liye lunchbox love story thi. I'm trying to explore romance for myself. Like, जब ये फिल्म मैं कर रहा था तो मुझे मैंने एक दिन शुतपा को पूछा कि यार तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो इस फिल्म में, ये क्यों करना चाहिए? तो शी सेड के हम लोग नॉर्थ बेल्ट से हैं ना, वहाँ क्या होता है ना, वहाँ लड़की को देखा उसने देखा तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने यू नो उसको पजेस कर लिया और सब कुछ। वो एक जो एक होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, यू नो एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है। तो उसने पूछा कि आपको तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो? मैंने कहा आता है। तो बोला करके दिखाओ उसके अंदर। तो मैं भी कह सकता हूँ कम से कम एक औरत को तो मैंने सम्मान दिया। तनुजा मैम आपके राइट है, आपके राइट अमित, एंड ये सवाल कामना मैम से भी रहेगा कि मतलब आज की जो लव स्टोरीज बन रही हैं या रोम कॉम बन रही हैं उन्हें मतलब क्वांटिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हाफ गर्लफ्रेंड, करीब करीब सिंगल वगैरह वगैरह, क्या मतलब इसलिए कि जो आज की ऑडियंस है या आज के जो मतलब लोग हैं उनमें शायद कमिटमेंट का लेवल या फिर लॉयल्टी का लेवल मतलब कम हो चुका है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आई मीन आई थिंक दैट्स अ जनरलाइजेशन, लेकिन दिस टाइटल डिड नॉट कम फ्रॉम द आइडिया कि क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। इट इज़ प्योरली फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि कहानी दो लोगों की है जो दोनों करीब करीब सिंगल हैं। ये टाइटल एक्चुअली गज़ल ने सोचा था, केम वेरी ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्टोरी। सो उसमें आप हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये बात है कि आप अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एंड लाइक इरफान सेड कि वो जो बीच का जो एक वक्फा होता है दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वे यू जस्ट स्टार्टिंग टू फील समथिंग फॉर समवन। इट्स नॉट अ कमिटमेंट but it's also makes you free and excited. So I think that is the part that one has tried to explore in this film, and that is also funny. Usme hansi bhi aati hai, usme aap ek dusre se ladte bhi hain aur ek aasha hai dil mein, you know, ki aage kya hoga. So I think that is the situation in the film and that's where the title comes from purely. lekin jo